नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। हमारे देश पर जब अंग्रेजों का शासन था तो उस दौरान कई ऐसे नायक हुए जिन्होंने देश को आजाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इन नायकों में से एक नायक ऐसे भी थे जिनके बारे में आज शायद कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन इस शख्स की बदौलत भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि धन सिंह गुज्जर है, जो देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं। आपको बता दें कि इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी, इसीलिए हर साल 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुज्जर को जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत दिखाई थी और उनकी पूरी हुकूमत को नाकों चने चबवा दिए थे। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध साझा मोर्चा गठित कर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। जैसे ही शहर में ये खबर फैली कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, आसपास के गांव के लोग हजारों की तादाद में मेरठ की सदर कोतवाली क्षेत्र में जमा हो गए। इसी कोतवाली में धन सिंह कोतवाल के पद पर कार्यरत थे। धन सिंह कोतवाल एक क्रांतिकारी की तरह निकलकर सबके सामने आ गए थे। वो पुलिस में उच्च पद पर कार्यरत थे। धन सिंह ने इस भीड़ को एक नेता के तौर पर एक नई दिशा दी जो कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थी। धन सिंह के इस कदम की वजह से अंग्रेज उनसे डर गए थे। धन सिंह ने भीड़ के साथ रात 2 बजे मेरठ जेल पर हमला कर दिया। जेल तोड़कर 836 कैदियों को छुड़ा लिया और जेल में आग लगा दी। जेल से छुड़ाए कैदी भी क्रांति में शामिल हो गए। उससे पहले पुलिस फोर्स के नेतृत्व में क्रांतिकारी भीड़ ने पूरे सदर बाजार और कैंट क्षेत्र में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। रात में ही विद्रोही सैनिक दिल्ली कूच कर गए और विद्रोह मेरठ के देहात में फैल गया। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर बंगाल में शहीद हो गए थे। क्रांति के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 10 मई 1857 को मेरठ में हुई क्रांतिकारी घटनाओं में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए मेजर विलियम्स की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। विलियम्स ने उस दिनों की घटनाओं का भिन्न भिन्न गवाहियों के आधार पर गहन विवेचन किया तथा इस संबंध में एक स्मरण पत्र तैयार किया, जिसके अनुसार उन्होंने मेरठ में जनता की क्रांतिकारी गतिविधियों के विस्फोट के लिए धन सिंह कोतवाल को मुख्य रूप से दोषी ठहराया और 4 जुलाई को उन्हें फांसी पर लटका दिया। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए नेशन मिरर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।